हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले, इसमें हमको बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों कैलकुलेट करने के लिए बोला है, और साथ में बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो भी हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर बीम जो है वो हमको गिवन है, उसका डायमेंशन कितना दिया है, तो वो है 100 mm by 200 mm। ये सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पैन ऑफ 10 मीटर। तो स्पैन है सिंपली सपोर्टेड बीम का 10 मीटर उसका स्पैन लेंथ है। देन यूडीएल दिया है 2 kN/m। फाइंड आउट करना है हमको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस हमको कैलकुलेट करना है, और साथ में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर बोथ शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस हमको जो है वो निकालना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। गिवन डेटा जो जो है हमको, ठीक है, बीम दिया है, उसका बी जो दिया है हमको वो दिया है 100 mm, बीम की वेट दी है 100 mm, बीम का डेप्थ जो दिया है वो दिया है 200 mm। देन उसके बाद में क्या बोला है, स्पैन लेंथ जो है वो 10 मीटर है, मतलब कि L इज इक्वल टू 10 मीटर, ये हमको दिया हुआ है। देन उसके बाद में बोला है UDL है जिसकी इंटेंसिटी है 2 kN/m। ठीक है, तो W जो दिया है वो है 2 kN/m, इतना हमको दिया हुआ है। देन फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, ये हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो बीम का एक डायग्राम जो है वो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम, इसको हम लोग निकाल लेंगे रेक्टेंगुलर बीम। देन रेक्टेंगुलर बीम का डायमेंशन जो है वो है हमारा 100 mm, और उसकी जो डेप्थ है वो है हमारी 200 mm। ठीक है, तो यहाँ ले लेंगे इसको 200 mm। ठीक है, तो ये 200 mm इसका डेप्थ हो गया, और इसकी विड्थ जो होगी वो 100 mm होगी। ठीक है, यहाँ से इसका न्यूट्रल एक्सिस ये भी ले लेंगे हम लोग, न्यूट्रल एक्सिस यहां पर आएंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस और यहां पर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो गया ये। देन उसके बाद में यहां पर डायग्राम दोनों हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर रेक्टेंगुलर बीम है, तो अभी फॉलो करते हैं इसके स्टेप्स। तो इधर साइड से स्टार्ट कर लेते। स्टेप नंबर वन में क्या करेंगे हम लोग, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो जो बीम दिया है हमको वो बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम, और यूडीएल इंटायर स्पैन के ऊपर में स्प्रेड है। इंटेंसिटी कितनी है, तो 2 kN/m, इतनी इंटेंसिटी का, लेंथ 10 मीटर। ठीक है, इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमको निकालना है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, m इज इक्वल टू WL² / 8। ठीक है, पुटअप कर देंगे यहाँ पर m इज इक्वल टू WL² / 8। W कितना है हमारा, तो W है 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इज 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 2 × 10² / 8, तो वो आता है हमारा 25 kN/m। तो ये आ गया 25 kN/m। ठीक है, इसको अगर कन्वर्ट करना है हमको, ठीक है, ये किलो न्यूटन मीटर में आ गया, अगर इसको न्यूटन mm में लेना है तो मोमेंट हो जाएगा हमारा, मोमेंट इज इक्वल टू 25 × 10⁶ Nm। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमने निकाल लिया। ठीक है, देन उसके बाद में सेकेंड स्टेप जो रहती है उसमें हमको क्या कैलकुलेट करना रहता है, स्टेप नंबर टू में हमको आई निकालना पड़ता है। ठीक है, तो आई निकालने के लिए IXX हमको निकालना रहेगा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए IXX जो होता है हमारा वो होता है BD³ / 12। ठीक है, तो B की वैल्यू कितनी है, तो B है 100, डेप्थ जो है वो हमारा 200 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से IXX जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो BD³ / 12, यहाँ से IXX जो आता है हमारा वो है 66.67 × 10⁶ mm raised to the power 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा IXX। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद में स्टेप नंबर थ्री
वाई, वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा वाई, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू, ये वाई क्या होता है हमारा, तो इसके डेप्थ, ठीक है, इसका हाफ लेंगे हम लोग, ठीक है, जितना डेप्थ है उसका हाफ ले लेंगे, तो वो हो जाता है हमारा डी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, डी डिवाइडेड बाई टू। डी कितना देकर रहे हैं यहाँ पर, डी है हमारा डी 200 mm, ठीक है, 200 डिवाइडेड बाई टू, सो इट विल बिकम 100 mm, ठीक है। तो y जो हो गया वो हो गया हमारा 100 mm, ठीक है, तो y निकाल लिया 100 mm। देन उसके बाद में स्टेप नंबर फोर ले लेंगे, इसमें बेंडिंग इक्वेशन पुट अप करेंगे और वहां से सिग्मा b की वैल्यू जो है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या है हमारा, वो है m by i इज इक्वल टू सिग्मा b by y, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर पुट अप कर देते हैं पूरे वैल्यूज जो हमने निकाले, m की वैल्यू कितनी निकाली है, 25 × 10^6, ठीक है, तो ये ले लेंगे हम लोग, 25 × 10^6 डिवाइडेड बाय i, i इज 66.67 × 10^6, 66.67 × 10^6 इज इक्वल टू सिग्मा b जो हमको कैलकुलेट करना है वो यहाँ लिख देंगे, डिवाइडेड बाय y, y हमने कैलकुलेट किया है वो हमारा आ गया 100 mm, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करके हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो निकाल लेंगे, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के बाद में जो आता है हमारा वो है 37.5 N/mm², ठीक है। तो ये आ जाएगा 37.5 N/mm², ये हो गया हमारा बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। इसके बाद हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकाल लेंगे, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये हमारा यहाँ पर मैक्सिमम रहेगा आउटर फाइबर पे और जीरो रहेगा हमारा न्यूट्रल एक्सिस पे, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस पे हो गया जीरो और यहाँ पर हो गया मैक्सिमम, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आई है हमारी सिग्मा बी की 37.5 N/mm², ठीक है, यहाँ पर भी उतना ही रहेगा 37.5 N/mm², ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है। अब उसके बाद में शियर स्ट्रेस कैलकुलेशन करेंगे और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो है हमारा स्टेप नंबर फाइव, ठीक है। स्टेप नंबर फाइव में हमको निकालना है, सबसे पहले इसमें जो है हम लोग मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालेंगे कितना है, मैक्सिमम शेयर फोर्स वो निकालेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स अपन एफ से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर एफ, ठीक है। यूडीएल का मैंने बताया था, अगर यूडीएल है तो मैक्सिमम जो आता है वो आता है हमारा डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो डब्ल्यू की इंटेंसिटी कितनी हमारी टू है, लेंथ टू मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इज 10 डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो टू टू गेट कैंसल 10 kN आंसर आ गया। तो एफ जो हो गया हमारा वो हो गया 10 × 10^3 N, ठीक है। ये हमने एफ यहाँ से शेयर फोर्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देन इसके बाद में इसका जो स्टेप नंबर सिक्स, ठीक है, स्टेप नंबर सिक्स, इसमें हम लोग निकालेंगे क्यू एवरेज, ठीक है। क्यू एवरेज जो है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्यू एवरेज का फार्मूला क्या है हमारा, क्यू एवरेज इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, एफ डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एफ डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना है, तो एरिया है बी इंटू डी, ठीक है। ये पुट अप कर देंगे और यहाँ से क्यू एवरेज जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो एफ की इंटेंसिटी है 10 × 10^3 शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय बी इंटू डी, 100 × 200 कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करने के बाद में क्यू एवरेज जो आएगा हमारा, क्यू एवरेज वो आता है 0.5 N/mm², 0.5 N/mm², ठीक है, ये आ गया। देन उसके बाद में ये हमारा आ गया क्यू एवरेज, ठीक है। देन स्टेप नंबर सेवन, ठीक है। तो इससे निकालना है हमको क्यू मैक्स कितना है, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये होता है हमारा 1.5 Q average, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 1.5 times एवरेज शियर स्ट्रेस, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पुटअप कर देंगे तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू 1.5 times क्यू एवरेज इज 0.5, ठीक है। तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू, तो 1.5 × 0.5, तो वो आता है हमारा 0.75 N/mm²,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यू मैक्स। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर क्यू मैक्स निकल गया हमारा। अब क्या करना है हमको, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकालना है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे आएंगी, तो वो बनती है हमारी पैराबोलिक कर्व, और मैक्सिमम होता है हमारा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ बनेगा पैराबोलिक कर्व। ठीक है, और ये रहेगा हमारा क्यू मैक्स। ठीक है, क्यू मैक्स, और क्यू मैक्स की इंटेंसिटी कितनी है हमारी, तो वो 0.75 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, ये इतना इंटेंसिटी हो गया मैक्सिमम, क्यू मैक्स इज इक्वल टू 0.75 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, तो ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो गया। देखो ये न्यूमेरिकल जो था ये थोड़ा डिफरेंट न्यूमेरिकल था, इसमें हमको वही चीजें करनी थी जो प्रीवियसली हमने की थी अलग अलग न्यूमेरिकल्स में। अब ये एक ही न्यूमेरिकल में दोनों चीजें करना था हमको, हमको शियर स्ट्रेस कैलकुलेशन भी करना था और बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेशन भी करना था। ठीक है, तो ये दोनों न्यूमेरिकल का कंबाइंड न्यूमेरिकल 2023 के एग्जामिनेशन में जो है वो रिसेंटली पूछा गया है। ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 mm बाई 200, एक रेक्टेंगुलर बीम है 100 बाई 200 mm, उस पे UDL है, इंटेंसिटी उसकी 2 km/m, स्पैन लेंथ जो है वो 10 m था, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस हमको कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने बेंडिंग स्ट्रेस की कैलकुलेशन कर लिए और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो हमने निकाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली स्टेप जो हम लोग करते हैं वो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैंने बताया था कि अगर सपोज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पैराबोलिक कर्व बनता है हमारा, और मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होती है वो होती है हमारी WL² / 8। ठीक है, तो ये हमने SFD BMD में भी पढ़ा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो हमारा WL² / 8 इतना होता है। ठीक है, तो WL² / 8, तो ये हमने ले लिया, देन पुट अप कर दी वैल्यू, तो आगे हमारा M जो आया वो 25, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 25 kN/m, इसको हमने क्या किया, न्यूटन एमएम में कन्वर्ट किया 10^6 से मल्टीप्लाई करके, देन IXX, तो BD³/12, यहाँ से IXX जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, IXX आ गया 66.67 × 10^6 mm^4, देन उसके बाद में Y कैलकुलेट किया वो D/2। ठीक है, तो 200/2 100 mm आ गया, देन उसके बाद में MI इंजीनियर, देन स्ट्रेस Y। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन हमने पुट अप कर दिया, M/σB/Y, ये पुट अप करके सिग्मा बी की वैल्यू निकाल ली, वो आ गया 37.5 N/mm². ठीक है, देन उसके बाद में शियर फोर्स। ठीक है, तो हमने बताया था कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है बीम के ऊपर में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट हुआ है, ठीक है, तो इसका जो डायग्राम बनता है शियर, ठीक है, तो ये ऐसा सपोर्ट पे मैक्सिमम है वो कितना है, तो WL/2 यहाँ पर। ठीक है, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स WL/2, ये हमारा पॉजिटिव रहता है और ये निगेटिव रहता है। ठीक है, तो WL/2 रहता है, तो मैक्सिमम वो लिया हमने WL/2 जो रिएक्शन पे रहता है, ये सपोर्ट पे रहता है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा 10 kN, 10 × 10^3 न्यूटन में ला लिया उसको। क्यू एवरेज का फार्मूला हमको पता है, F/एरिया, क्रॉस सेक्शन जो है वो हमारा रेक्टेंगुलर है इसलिए B×D कर दिया, देन उसके बाद में क्यू एवरेज कैलकुलेट किया तो वो आ गया हमारा 0.5 N/mm², देन उसके बाद में स्टेप नंबर 7 में हमने क्यू मैक्स निकाला, क्यू मैक्स इज इक्वल टू 1.5 × क्यू एवरेज, देन ये कैलकुलेट करने के बाद में हमने फिर उसकी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो प्लॉट कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा जो जीरो है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो जीरो रहता है और शियर स्ट्रेस जो है वो हमारा मैक्सिमम रहता है इसके ऊपर में, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, ये 6 mark के लिए क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों कंबाइंड के साथ में आया यहाँ पे ये न्यूमेरिकल में। Thank you.